बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी जंग में फिलहाल बग्गा जीत गए हैं। केजरीवाल की चाल नाकामयाब रही और बग्गा गिरफ्तार होते होते बच गए। मोहाली कोर्ट के आदेश को बग्गा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी और बग्गा को 5 जुलाई तक राहत मिल गई। यानी पंजाब पुलिस अब बग्गा को 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी से राहत मिलना बग्गा की जीत है और केजरीवाल की हार मानी जा रही है। इसके बाद अब तजिंदर बग्गा का जोश हाई हो गया है। बग्गा फ्रंट फुट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक कहावत के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बग्गा ने कहा कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कहावत सत्य हो रही है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए बग्गा ने कहा कि मैं हाईकोर्ट का, बीजेपी का, मीडिया का, दिल्ली और हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूं। और अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो FIR करके हमें डरा लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्होंने आगे केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव जीतने के बाद समझ रहे थे कि वो कानून से बड़े हो गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी नेता के खिलाफ अब पंजाब की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मध्यरात्रि में हुई सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी और अब 5 मई तक बग्गा को बड़ी राहत मिल गई है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब पुलिस और केजरीवाल दोनों की भारी किरकिरी हो गई, जबकि बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा हीरो बन गए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।